हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DS देखो और सीखो। चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह का सबसे पहले आधार कार्ड आता है, उसके बाद ही आपको इस तरह का बनाना पड़ता है। तो इस तरह का कैसे बनाएंगे अपने मोबाइल से, बहुत ही आसान है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोग भी सीख जाएंगे और अपने से आधार कार्ड को स्मार्ट कार्ड बना सकते हैं। वैसे तो वो कैंची में काट देने से दो टुकड़ा हो जाता है और लेमिनेशन हो जाता है, लेकिन आप लोगों को ओरिजिनल वाला घर में रखना है और एक डुप्लीकेट बना लेना है। इसी तरह का जैसे मैं सिखाऊंगा उसको हमेशा अपने पॉकेट में रखे रहिए। ओरिजिनल अगर गुम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए डुप्लीकेट कॉपी एक रखना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए वीडियो को। फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मोबाइल में आप लोगों को सिखाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरा पिक्सेल ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको 3 डॉट ऊपर में दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दबा के आपको देखिए इमेज साइज, मेन है इमेज साइज आपको ले लेना होगा। इमेज साइज आपको क्या लेना होगा, आधार कार्ड का। यहाँ पर आपको देखिए आगे में 9 कर दीजिएगा और इधर आपको 6 कर दीजिएगा, ये आधार कार्ड साइज का पेपर बन जाएगा। उसके बाद ओके कर दीजिएगा, देखिए आधार कार्ड साइज हो गया। और बीच वाला को डिलीट कर देना है, टेक्स्ट को हटा देना है। इस पेज को यहाँ पर दबा के वाइट कर लेना है, वाइट कर लेंगे, देखिए वाइट हो गया। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आइएगा प्लस में और फ्रॉम गैलरी, आपका PDF जो है आधार कार्ड वाला या स्क्रीनशॉट किए हैं उसको आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। पर है स्क्रीनशॉट में है, इधर नीचे में होगा, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। इसको क्लिक करने पर यहाँ पर अभी आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर में इस तरह से करप्ट कीजिएगा यहाँ तक, और नीचे से भी यहाँ तक कर दीजिएगा। इधर वाला भाग को बाद में ले लेना है, पहले फर्स्ट पेज फ्रंट वाला क्रॉप करना है। इस तरह से आपको आंगुली के हिसाब से क्रॉप करना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, अच्छा से कर लीजिएगा, हो गया। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने से ही देखिए इधर आ गया, इसमें अभी पूरा फिलअप कर देना है पेज में, क्योंकि ऑलरेडी ये तो हम लोग साइज कर लिए हैं आधार कार्ड साइज, कुछ दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप लोग बैठा लीजिएगा उसके अंदर, हो गया। और उसके बाद ऊपर में देखिए सेव ऑप्शन है, और नीचे सेव में दबा के अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, हो गया। अभी आप देख सकते हैं फ्रॉम गैलरी में आके देखिए हो गया है, ये पहला फ्रंट हो गया। अभी बैक साइड का आपको करना है, बस इसको आपको डिलीट कर देना है, ऊपर में जाके डिलीट कर देना है, फिर से ऐड करना होगा उसी तरह से। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और बहुत कुछ बाकी है इसको करने में, आ गया। उसके बाद इसको भी इसी तरह कर लीजिएगा। फ्रंट पेज तो हो गया, अभी बैक पेज करना है। तो बैक पेज इधर वाला है, तो इधर वाला को हम लोग कर लेंगे क्रॉप्ड, इस तरह से इसको कर लेंगे, हो गया। उसके बाद ओके कर देंगे, बस आ गया, अभी आ गया है। इसको भी इसे ही सेट कर लेना है, देखिए हो गया। उसके बाद इसको भी सेव करना है, ऊपर में जाके सेव टू गैलरी और अल्ट्रा करके, अल्ट्रा में जाके सेव टू गैलरी कर दीजिएगा, हो गया। देखिए अभी फ्रॉम गैलरी में दिखाते हैं, दोनों पेज हो गया है, देखिए ये वाला बैक पेज और ये वाला फ्रंट पेज। अभी दोनों को कुछ दिक्कत नहीं है, स्टूडियो में जाके आप सिर्फ बोलिएगा मेरा
प्रिंट आउट निकाल दीजिए और इसको लेमिनेशन कर दीजिए। अगर आपका घर में है तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं अपने से। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, फ्रंट साइड बैक साइड आधार कार्ड को स्मार्ट कार्ड बना सकते हैं।